बाजार के भीमनगर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार सदर बाजार पुलिस चौकी क्षेत्र में एक विवाहिता की उसी के मायके में देर रात को संदिग्ध परिस्थितियों में गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। विवाहिता की पहचान 28 उम्र की शालू पुत्री सुंदर लाल पत्नी हर्षद के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए मधुबन के FSL की टीम को बुलाया है। इधर बताया जा रहा है कि इस परिवार में एक मकान को लेकर विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। हमारे को धमकी देते थे, 3-4 लेडीज थे, पीछे भी धमकी दी, मेरे लड़के की भी धमकी दी थी। हम चले गए यहाँ से डर के मारा और सर मिल गए। इन्होंने वहाँ तक धमकी दिया हमारे को, काम पे जाती हूँ वहाँ पे, कहती हूँ उठवा दूंगी मैं। उसकी बहू बोलती थी उसी ने मेरी लड़की मारी है। तो यहाँ क्या करने आए आप? यहाँ हम तो रिश्तेदारी में जा रखे थे, इन्होंने फोन करा, हम सुबह आए मेरठ से आए। क्या नाम आपका? राजू। क्या ना, क्या लगते हैं आप लड़की के? लड़की की माते जी ने क्या हो गया? हमारी सास मरी थी, जब से ये झगड़ा चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर। कहाँ का मामला है ये? घर का ही है हमारा, यहाँ सदर बाजार भीमनगर। अच्छा अच्छा। तो ये नो कह रहे हैं हमारे ससुर था कि मेरे नाम है ना जायदाद करो, मेरे नाम जायदाद करो। ये मेरे देवर का केस चल रहा खुर्जा में, ये 2-3 साल हो गए। तो 2-3 साल हो गए, मेरी सास वहाँ तारीख पर गई थी तो ये जबरदस्ती ले गया मेरा देवर कि तू चल वहाँ पे, तू चल आखिरी तारीख है। और वहाँ तो मरी मराई आई है मेरी सास। अब ये क्या मामला हुआ? ये मेरे नंदन का झगड़ा चल रहा है जायदाद के ऊपर। तनु कह रहे हैं मेरे नाम करो जायदाद, हम तो किराए पे रहे हैं, इनके डर के मारे किराए पे निकल गए। मरने वाला क्या नाम है? मरने वाला का सालू नाम है। तो कैसे हुई उनकी मौत? वो उन्होंने मारी होगी, वे कमरा में वही रहते, उसकी घरवाली और वही रहती है और कोई नहीं रहता। उसके पापा सोए थे, वे सुबह ही चले गए थे उठ के, और जब ठीक ठाक छोड़ के गए, उसके पापा ने कह रहे मैं दूध लिया हूँ चाय के लिए, और ये बाहर डोल डाल कर 8 बजे आए होंगे तो जाके देखा होगा। और तो उठाई लड़की के, सालू चाय बना ले, सालू चाय बना ले, तो सालू होएगी जब ही उठेगी वो। यहाँ पे तो बाहर यहाँ पे वो दरखास्त लिखवाना आए है। तो क्या कहते, क्या मांग करते हैं आप? हमें तो इंसाफ चाहिए। क्या नाम आपका? संगीता। क्या लगते हैं आप सालू की? भाभी हूँ बड़ी वाली। कहाँ का है मामला? कौन? सदर बाजार, सदर बाजार भीमनगर। चला क्या बोला? मैं तो सुबह घर पे था पानी पर, तो मेरे को फोन आया कि सुबह ऐसे ऐसे बात होगी। अब इनका डेली का ना यही चक्कर था इनका, जो इसका भाई है ना, आप क्या लगते हैं? मेरी वाइफ जो है ना सालू, तो इसका भाई है ऊपर। इनका झगड़ा चल रहा था काफी, मतलब ये मकान के ऊपर के चीज दे दे, मकान दे दे। फिर मैंने उसे समझाया, वो मानी नहीं। मैं अपने पापा के साथ हूँ, ये है वो है, मतलब इस बात में फिर मैं जा लेता, एक 1.5 महीना हो गया मैं घर पे। फिर मैं अभी आया था हफ्ता पहले, फिर भी मैंने समझाया उसे, वो कहने लगी कोई बात नहीं, मैं अब पापा से पूछ लूँगी। उन 2 लाख रुपये थे इसके, 2 लाख रुपये लेने थे, तो फिर इन्होंने पता नहीं कहा बात हुई नहीं, तो फिर मैं जा लिया, कोई बात नहीं। सुबह फ़ोन आया ऐसे ऐसे बात, एकदम। आपको क्या, किसने फोन किया था और क्या कहा? भाभी ने फोन किया था। अरे कितने बजे की घटना है ये? 8:30-9 बजे की, जब मेरे को फोन आया था। तो जो मर्डर हुआ है वो गला घोट के किया गया? इनकी साजिश है, इसके भाई हैं जो ऊपर रहता ना राजू, और उसकी वाइफ है और उसकी बहन है, यानी कि तो राजू की अगर बात करें, राजू कहाँ है अब? वो तो ले गए पुलिस वाले, पुलिस कस्टडी में राजू को ले। सदर बाजार चौकी के अंतर्गत एरिया है, यहाँ पे एक लड़की की मौत की हमें सूचना मिली थी, तो सूचना पाकर पुलिस बल मौके पर पहुँचा है और घर वालों से पूछताछ की जा रही है, क्राइम सीन चेक किया जा रहा है। अभी हमारी FSL टीम आएगी, अभी जो ये बयान देंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर किस टाइम की घटना की बात बताई जा रही है? अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा, अभी इन्होंने लिखित में कुछ दिया नहीं, जब बयान देंगे और फिर मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम बता पाएंगे क्या सच है। शादीशुदा लड़की? हाँ जी लड़की। सर उसका घर वाला भी यहीं है? हाँ जी, उसका पति भी आ चुका है। सुबह हमें एक सूचना मिली थी कि एक सदर बाजार में एक शालू नाम की लड़की है जिसका मर्डर हो गया, जो कि मौका पर पहुंची, आके देखा है कि वो लड़की अपने मायके आई हुई थी, बताया जा रहा है। उसके हस्बैंड मौके पर आ गए, उन्होंने आकर स्टेटमेंट दी है कि वो पानीपत में शादीशुदा थी और करीब 1 महीने से अपने मायके पर रह रही थी यहाँ आकर, और उसका उसके भाई के साथ कोई
विवाद मकान या किसी इस प्रकार का लेकर थोड़ा लड़ाई झगड़ा कर रहा था, जिसको कहते हुए उसके ब्रदर ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। क्योंकि उन्हें शक अपने भाई पर है, उसी लड़की के भाई पर शक है, जिसे डिटेन कर लिया, पूछताछ चल रही है, मुकदमा दर्ज करके और एफएसएल टीम मौका पर आई, जिससे अब डेड बॉडी को पुलिस ने अपने हवाले में करके और मोर्चरी हाउस में रखवा दिया आफ्टर पोस्टमार्टम, और जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।